ये है फसिनो ड्रम ब्रेक हाइब्रिड 125। इसकी ऑन रोड कीमत की बात की जाए तो 93,200 मुजफ्फरपुर में ये आपको मिल जाएगी। ये टोटल 5 वेरिएंट में आती है और आज के इस वीडियो में मैं डिटेल रिव्यू करने जा रहा हूँ इस स्कूटर की, जानेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। दोस्तों अगर आप यामाहा के किसी भी बाइक या स्कूटर का टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं मुराया यामाहा 0 माइल बैरिया रोड मुजफ्फरपुर में। शोरूम की सारी डिटेल्स मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तिलक। चलिए वीडियो शुरू होने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसका छोटा सा एक वॉक अराउंड करके दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे इसके फ्रंट लुक की। तो आप देख सकते हैं ये स्कूटर फ्रंट से कुछ इस तरह की दिखती है। फ्रंट में रिफ्लेक्टर बेस हेलोजन हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है जिसके चारों तरफ क्रोम वर्क फिनिश दिया गया है और यहाँ पे यामाहा की ब्रांडिंग मिल जाती है। इसकी टर्न इंडिकेटर की बात करें तो वो बल्ब में दिया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड कुछ क्रोम वर्क फिनिश दिया गया है। सामने में आपको रजिस्ट्रेशन प्लेट का जगह मिल जाता है। इसका मडगार्ड कुछ इस तरह का मिल जाता है जिसके साइड में दोनों साइड में कुछ ग्राफिक वर्क का प्रयोग किया गया है। दोस्तों इसकी फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है और टायर साइज की बात करें तो 90-90-12 का टायर साइज मिल जाता है। बात करेंगे इस स्कूटर के एडिशनल फीचर की तो इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच हाइब्रिड पावर असिस्ट स्मार्ट मोटर जनरेटर क्वाइट इंजन स्टार्ट सिस्टम एंड ऑटोमेटिक स्टॉप एंड स्टार्ट सिस्टम ये सब प्रोवाइड किया है कंपनी ने। दोस्तों नेक्स्ट अब आते हैं इसके मीटर कंसोल पे। तो आप देख सकते हैं इसका मीटर कंसोल कुछ इस तरह का मिल जाता है जिसमें स्पीडोमीटर ओडोमीटर फ्यूल गेज लो बीम हाई बीम इंजन माल फंक्शन लाइट टर्न इंडिकेटर लाइट ये सब आपको कंपनी ने प्रोवाइड किया है। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करेंगे इसके राइट हैंडल पे। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक स्टॉप स्टार्ट का स्विच दिया गया है और सेल्फ स्टार्ट का भी स्विच यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट अब आते हैं इसके लेफ्ट हैंडल पे। तो आप देख सकते हैं लो बीम हाई बीम टर्न इंडिकेटर और हॉर्न की स्विच दी गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका राइट साइड का लुक कुछ इस तरह का इसका राइट साइड का लुक दिया गया है। इसका सीट देख सकते हैं ड्यूअल टोन कलर में दिया गया है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो 145 mm की दी गई है। यहाँ पे कुछ क्रोम वर्क फिनिश दिया गया है जो कि इस स्कूटर के लुक को काफ़ी इन्हेंस कर दे रहा है और पीछे साइड में यहाँ फैसिनो 3D में लिखा मिल जाता है। जस्ट उसके नीचे कुछ ग्राफिक वर्क दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका एग्जॉस्ट देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसमें एग्जॉस्ट मिल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट अब आते हैं इसके रियर लुक में। तो रियर से कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे यामाहा की ब्रांडिंग मिल जाती है और टेल लाइट और टर्न इंडिकेटर की बात करें तो वो भी बल्ब में दिया गया है। साइड से देख सकते हैं नीचे मड गार्ड में रिफ्लेक्टर दिया गया है। गाइज नेक्स्ट बात करेंगे इसके रियर सस्पेंशन की तो इसमें यूनिट स्विंग सस्पेंशन मिल जाती है और रियर ब्रेक की बात करें तो ये ड्रम ब्रेक दिया गया है और टायर साइज की बात करें तो 110-90-10 का टायर साइज मिल जाता है और व्हील साइज की बात करें तो 254 mm का व्हील साइज इसमें मिल जाता है। दोस्तों इस स्कूटर में दोनों टायर्स कंपनी ने ट्यूबलेस प्रोवाइड किए हैं। तो गाइज नेक्स्ट अब बात करेंगे इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ये बाइक 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड SOHC 2 वाल्व इंजन के साथ आती है। इसमें 125 cc इंजन लगा है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 10.3 Nm के टॉर्क जनरेट करता है 5000 RPM पे और पीक पावर की बात करें तो 8.2 PS का जनरेट करता है 6500 RPM पे। ये स्कूटर FI टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इसमें किक और सेल्फ स्टार्ट दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। तो गाइज नेक्स्ट अब आते हैं इसके लेगरूम की तरफ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लेगरूम मिल जाता है। यहाँ पे कैरी हुक दिया गया है और इसकी अंडर सीट स्टोरेज की बात करें तो वो 21 लीटर की मिल जाती है। गाइज अब बात करेंगे इसके डायमेंशंस एंड कैपेसिटी की तो विड्थ 685 mm लेंथ 1920 mm हाइट की बात करें तो 1150 mm फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो 5.2 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी इसमें मिल जाती है। सैडल हाइट की बात करें तो 780 mm
ग्राउंड क्लियरेंस 145 mm, व्हील बेस 1280 mm, कर्व वेट की बात की जाए तो 99 kg की मिल जाती है। गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।